सो हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप लोग? सो आज फाइनली आ गए हम एक नया कुछ अलग सा वीडियो लेके। सो आज हम रिएक्ट करेंगे स्टैंड अप कॉमेडी। भाई आज तक रिएक्ट नहीं किया स्टैंड अप कॉमेडी, आज करेंगे वो भी आकाश गुप्ता का। सो देखते हैं भाई, अभी रिसेंटली भाई अपलोड किया है, ट्रेंडिंग में जा रहा है, देखते हैं भाई क्या होता है। कि इतना लोग पसंद कर रहे हैं तो भाई अच्छा ही होगा। सो नाम होगा इसका इंडियन क्रिकेट फैंस एंड विराट कोहली, और अभी तो IPL चल रहा है तो उसके बारे में कुछ होगा शायद, चुटकुला सा है यार, मजा आएगा। IPL फैन आप किसको सपोर्ट करते हैं, CSK या RCB? इन दोनों के बीच में टक्कर हो रहा है भाई अभी। यार मैं तो यार माँ कसम बोल रहा हूँ भाई, सच्ची में थाला जहाँ पर है भाई वहीं पे अपन है भाई। बाकी भाई विराट कोहली भी हमको पसंद है, लेकिन थाला के वजह से भाई CSK में बैठा रहा हूँ। नहीं तो भाई मैं कब का यार, थाला नहीं होता तो कब का यार मैं RCB में आ जाता। थाला के वजह से भाई अभी CSK में हूँ। तो देखते हैं ये वाला कॉमेडी कैसा होगा, क्या होगा। आशीष गुप्ता का फर्स्ट रिएक्शन कर रहा हूँ ये वाला, पहले देखा था लेकिन अभी रिएक्शन पहली बार कर रहा हूँ। तो भाई देखते हैं, बाकी आपका काम ही कि नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सो 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। नहीं सही है। मेरे को आपको गुड न्यूज देनी है। क्या है भाई? नहीं नहीं, बट इस साल मुझे इस एक्चुअली नेक्स्ट मंथ आई विल कंप्लीट 10 इयर्स इन स्टैंड अप कॉमेडी। ओहो, 10 साल हो गया भाई। तो बढ़िया चल रहा है करियर, फॉरेन इंटरव्यू वगैरह जाने को मिलता है, बट ना खुशी सी नहीं हो रही अंदर से। लेकिन ये मेरा पहला ड्रीम नहीं था, एक होता ना बचपन में पहला ड्रीम मेरा था, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। मैं मतलब अकेडमीज वगैरह में खेलने जाता था और बहुत बढ़िया खेलता था। फिर मैं 10th के बोर्ड आए, छुड़वा दी मेरे पापा ने। बुरा हुआ भाई, क्या फायदा हुआ, होता है भाई ऐसा, होता है। चुटकुले सुना रहा हूँ मैं आज। हम भी सुनने आए हैं। कभी माफ नहीं किया मैंने अपने बाप को, क्योंकि जिस साल उन्होंने छुड़वाई ना, उसी के 2 साल बाद IPL स्टार्ट हो गया यार। अब पता है मैं ऐसा लगा कि अगर ये मुझे खेलने देते ना, यू नेवर नो, मुंबई इंडियंस। इस साल वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, आप लोगों ने देखा? हाँ देखो, आई नो फाइनल में जो भी हुआ, पर इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वहां तक हमारी टीम जो खेली वो बहुत ही, मतलब बिल्कुल एक बार हमारी टीम के लिए तालियां होनी चाहिए दोस्तों। मैं ना कुछ मैचेस लाइव देखने गया था, और बहुत सालों के बाद मैंने एक स्टेडियम में मैच देखा। हाँ इसलिए हार गए बोला भाई। शट अप। क्राउड हर जगह का ऐसे ही होता है। मैं देख लिया, जैसे मैं जब मैच देखने गया तो मैं बहुत खुश हुआ कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बनाऊं, क्योंकि जब मैं मैच देख रहा था मैं कहा, एक तो देखो यार कितनी बड़ी बात होती है, वो 11 लोग सेलेक्ट होते हैं पूरे देश में से, ठीक है, उनके ऊपर इतना स्ट्रेस होता है, इतना प्रेशर होता है कि हमें रन बनाने हैं, मैच जीतना है, ये सब। ऊपर से हमारा क्राउड हमारे ही प्लेयर्स को तंग कर रहा होता है। वो शुभमन गिल बेचारा बैटिंग करने आता है, पूरा स्टेडियम नारे लगा रहा है, हमारी भाभी कैसी हो, शर्म करो भाई, शर्म करो भाई। फिर वो आउट हो जाते 2 ओवर के बाद, फिर कमेंट्स मारते हैं, इनका तो फोकस ही नहीं है गेम में। उसका था बैच, तुम्हारी वजह से गया है। शुभमन गिल 24 साल का है यार, 24 साल की उम्र में वो इंडिया का ओपनिंग बैट्समैन है। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होती है, वो बैटिंग करने आया है, उसके दिमाग में कितनी चीज़ें चल रही होती होंगी यार, कि यार ये आउट स्विंग होएगी, नहीं तो इन स्विंग हो सकती है, कवर लूँ क्या करूँ ये सब, और कान में क्या चल रहा है उसके, इन जैसे चूते हुए जैसे ना। तुम जैसे चूते वैसे हारे हैं, और इनको लगता है हम बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं ये सब करके। अबे अपने प्लेयर को ही परेशान कर रहे हो यार, आप सोचो आपकी वर्क स्पेस में कोई ऐसे बिहेव करे। तुम सुबह उठ के अपने ऑफिस में बैठे हो, लैपटॉप खोल के ईमेल लिख रहे हो, हे होप यू आर डेड बिच, रिगार्ड्स एंड फक ऑफ्स, और साइड से 2 लोग आके, हमारी भाभी कैसी है, HR वाली जैसी है, आपको लैपटॉप उठा के सर पे मार दो उसके। और आप सोचो हमारा क्राउड हमारे प्लेयर्स को इतना तंग कर रहे हैं, तो फॉरेन प्लेयर्स के साथ तो क्या कर रहे हैं, रैगिंग रैगिंग हो रही थी उनकी,
मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने गया था. एक मार्नस लाबुशेन करके प्लेयर है, ठीक. उसकी स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है, हमारे बंदों से बोला ही जाता उसका नाम. वो फील्डिंग करने आया बाउंड्री पे, यहाँ से दो लोग लाबू 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 को लाबू से मिला दो. अजीब हो गया अंधेरा यार हमारा यार. हाँ लाबू शंका. मैं हैरान हूँ यार कि कैसे खेल लेते हैं प्लेयर्स इन सब के बीच में. बात तो सही बोला भाई. इतनी बदतमीजी करते हैं, कुछ भी कमेंट्स मारते हैं और कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होते. बाकी किसी स्पोर्ट में होता है. अब लॉन टेनिस देखो, उसमें लोग बेसिक चीयर करते हैं ना, रेफरी उसी में डांट देता उनको. वो ऐसे हो जाते हैं, ये नडाल साइलेंस साइलेंस द प्लेयर्स आर रेडी. बंदी पड़ जाती बेंच. ऐसा क्या बोल दिया मैंने यार. मैं तो नडाल को मोटिवेट कर रहा था यार. कम ऑन लेट्स गो. थैंक यू. उनकी सर्विस की आवाज किससे एको हो रही होती है अपने रैली में. ये वो मेरे पापा घंटा बन करके मैच देखते थे. मम्मी क्या कर रही है आदमी अंदर. फिर ना कोई वो मैच जीत गया तो ये आवाज आई. भाव घर से मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये आदमी ठीक नहीं हमारे लिए. मजा आ गया. इसलिए लोग इतना पसंद कर रहे थे भाई ये वाला को. जो प्लेयर्स भी है ना वो भी बहुत रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, टाइम डिमांड करते हैं. आपको भी उनको सर्विस लेते हो देखो, वो लगे रहते जब तक उनको वाइफ नहीं आती. गजब भाई गजब यार, मजा आ गया. अरे आधा घंटा चल रहा है सब. इसमें कभी कभार एक आधा बंदा कमेंट मारता है उस पर भी ऑफेंड. मैं नहीं खेल रहा. इसको हटाओ हटाओ इसको. हमारे क्रिकेटर्स कर सकते हैं ऐसे कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए हैं. कह रहे पहले सबको चुप कराओ फिर हम बैटिंग करेंगे. यहाँ करा लो आप 70,000 लोगों को चुप. शाम तक एक ओवर नहीं डलेगा मैं लिखवा रहा हूँ आपको. 69,990 लोग चुप हो भी जाएंगे. 10 चूतिए होंगे. उधर ही पॉइंट कर रहे हैं भाई. अरे भाई रुको. वन टू थ्री लेट्स स्टार्ट. जब सब चुप हो जाएंगे ना सारा भाभी. कौन बोला कौन बोला. अरे किसने बोला यार. मैं तो नहीं बोला यार. चुल बहुत होती है ना हम लोगों के अंदर. हम ही ऐसे होते हैं भाई. मतलब पेशेंस नहीं होते. जैसे लॉन टेनिस में वो लगे रहते ना लोग कुछ नहीं बोलते. हमारे प्लेयर्स बेचारा बैटिंग कर रहे होते ना कई बार वो साइड स्क्रीन के सामने कोई आ जाता है उसमें ना हट जाते हैं लास्ट में. ओह दिखा नहीं हमें. उसी पे लोग ऐसे हो जाते हैं. ओ खेल ओए. बड़ी बॉल नहीं दिख रही हमें यहाँ से दिख रही है. पांच बॉलों से वेल लेफ्ट कर रहा है. होता है भाई होता है. और क्रिकेट का एक अकेला क्राउड है. एक होते देखो बाकी क्राउड्स भी तंग करते हैं स्पोर्ट्स में लोगों को ना कि वो कमेंट्स मारेंगे स्लेजिंग करेंगे. हमारा क्राउड इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को चलते मैच में एडवाइस दे रहा होता है. 55 साल के अंकल. मैं मैच देख रहा था मोहम्मद शमी फील्डिंग करने आया. शमी बेटे शमी ऊपर डाल ऊपर. बैट के पास सीम से घुमाए. कम ऑन कम ऑन बॉय शमी. कम ऑन जड्डू तुम्हारी बुआ का बेटा. बढ़िया भाई बढ़िया. जो तुम इतने फ्रैंक हो रहे हो वहां पे. सर रविंदर जडेजा नाम है उनका. रिस्पेक्ट से बात करो भाई. विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो ना विराट कोहली ने एक हवा में शॉट खेल दिया एरियल शॉट. ठीक है मेरे साइड पे जो तो मेरे साइड पे तो 55 साल के अंकल थे. उस बॉल के साथ वो भी हवा में गए.
इतने एनिमेटेड 55 साल की अंकल मैंने लाइफ में नहीं देखे। बॉल हवा में गई है दोनों, आराम से विराट अभी ग्राउंडेड खेल रहा है दो ओवर यार, इसके ऑस्टम की दिक्कत को कोई पता गदम भाई गदम यार, एक्सप्रेशन क्या दे रहा है। विराट कोहली के ऊपर कितना प्रेशर है, रन भी बनाए जान भी बचाए, तभी विराट कोहली की जो एग्रेशन है एक सेलिब्रेशन में बिल्कुल जस्टिफाइड है। लोग बोलते हैं कि इतना क्यों अग्रेसिव हो रहा है, अरे आप सोच भी नहीं सकते यार उस इंसान के दिमाग पे कितना मेंटल प्रेशर होता होगा यार। आई तो लव विराट मतलब हाँ, वेस्ट दिल्ली से दोनों लोगों ने तरक्की करी है विराट कोहली और मैं यार। अरे नहीं नहीं उन्होंने बहुत ज्यादा करी है, बट जब वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ना फील्ड पे उनको देख के कुछ मजा सा आ जाता है, एक इनर जॉय है उस इंसान में यार, वो अपने में लग रहते हैं। कांग्रेस को गाली दे रहा था भाई क्या है सूर्य पर निकल रहा है, मजा आ गया। इतनी तो इम्पोर्टेंट विकेट नहीं गिरी थी ये इमरान ताहिर आउट हुआ था यार, ये विराट भाई को, विराट भाई आप ही रख लो हमें चाहिए नहीं है। कुछ तो इन्फेक्शियस एनर्जी है विराट कोहली, मतलब टीवी पे मैं मैच देख रहा था ना विराट कोहली जब स्क्रीन पे आता ना मेरे मन करते किसी को पढ़ के दो घुसंड मार दो इधर, सॉरी मम्मी। बट मेरा फेवरेट मोमेंट होता है किसी भी इंडिया के मैच में ना, कहना आप देखना बॉल डाली बुमराह ने, कैच पकड़ी केएल राहुल ने, पूरी टीम एक सर्कल में सेलिब्रेट करी, विराट कोहली अलग से निकल गया दूसरे टीम की ड्रेसिंग रूम की तरह। प्लेयर्स बैठे भी नहीं होते हैं, दूसरे टीम के फिजिकल ट्रेनर बैठे होते हैं लैपटॉप खोल के, वो ऐसे हो जाते हैं वो हमारी मां क्यों कर रहे हैं, हम तो बर्फ का सेक करते हैं, ये सोफरा वहीं से लगाते हैं सबके, बुलाओ ना बाहर वो लबू मारा लबू विराट भैया बुला रहे हैं। देखो स्पोर्ट्स में ना खासकर आउटडोर स्पोर्ट्स में इन द हीट ऑफ द मोमेंट प्लेयर्स के बीच में बहुत अनबन हो जाती है और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बट प्लेयर्स मूव ऑन फ्रॉम दैट, वो लड़ाई हुई गल गलोच हुई वो बढ़ जाते हैं आगे, कैमरे वाले नहीं पीछे बढ़ जाते हैं प्लेयर्स के यार, बार बार दिखाते रहेंगे सेम चीज़। आजकल रोहित शर्मा के पीछे पड़े हैं बहुत, भाई क्या चिल बंदा है रोहित शर्मा यार, मुझे तो स्टम्प माइक की बहुत सारी ऑडियोज लीक हो रही है आजकल, और रोहित शर्मा को देख लगता है ये मेरे में मुझे चाहिए ये कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा दीन दुनिया से एकदम एकदम चिल, क्या इंच क्या तुम गार्डन में घूम रहे इंच है पूछी भाई इंच बकचोदी बेंच फुल ऑन चिल बार बार दिखाया जा रहा है रोहित शर्मा को यार। तो ना हिंदी कमेंटेटर्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है क्योंकि उनको तो समझ भी आ रहा है, नाराज है रोहित काफी नाराज, पुजारा से बेहद निराश रोहित 194 पे दो। पढ़ना इंडिया के मैचेस देखने का मजा तब आता है मुझे मजा आ गया अब्रॉड जाता है खेलने, जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड या कहीं भी, वहां क्या होता है ना जो टीवी टेलीकास्टर्स होते हैं ना जिनका काम ये मैच ब्रॉडकास्ट करना होता है ये उसी देश के लोग होते हैं, उनको हमारी गालियां नहीं समझ आती, वो गोरे लोग होते हैं उनकी क्या होती है दो तीन फक यू मदर फकर ये कोई गाली है हमारी, देखिए आप यार ये गाली बहन की वैरायटी है एक माँ की वैरायटी है, बॉडी ऑर्गन्स जानवर जानवर के बॉडी ऑर्गन्स कितना परा है भाई, लाइन है बहन की माँ के बॉडी ऑर्गन्स
हमारा बहुत इलेबोरेट सिलेबस है यार गालियों में. और हम गाली होते हैं ना गोरों को बड़े सुंदर लगते हैं कि वाह व्हाट एन एक्सप्रेसिव शॉट, शो विराट वंस मोर. अब सेम चीज हम स्लो मोशन में देख रहे हैं. अरे भाई वाह कसम भाई मजा आ गया ब्रो. थैंक यू. ये वाली चीज ना बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहे होते हैं चलते मैच. कैसा मजा आ गया. बार बार विराट कोहली भी होता है क्या कर रहे हो यार. मैं निकल गया एक बार मुंह से पीछे पड़ गए यार. ये तो यार हमारे घर वाले भी मैच देखते हैं भाई. मतलब पक्का लगता है इन सबकी मम्मी ना शाम को फोन करती होगी. हाँ बेटे अच्छा खेले. बोल क्या रहे थे. हमने देखा 3 बार देखा. हमें पता है तुम लोग बेन स्टोक्स. ऑडियंस वाला है और विराट कोहली का और रोहित शर्मा का जो स्टंप माइक में जो गाली का रिकॉर्ड होता है ना बढ़िया लगा भाई. माँ कसम और गाली का वैरायटी मम्मा का पप्पा का जानवर का जानवर की बॉडी का सब का मतलब हमारे पास गाली होता है भाई. तो मजा आ गया भाई. पूरा रियलिटी था और पूरा फनी स्टाइल में प्रेजेंट किया भाई के लिए यार. बहुत मतलब बहुत बधाई मतलब बहुत यार मजा आ गया देख के. क्या बोलूं अभी. आप लोगों को कैसा लगा यार. तो रहा यार क्या बोल रहा यार. तो भाई कैसा लगा बोलो भाई. और अच्छा लगा तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना. और बाकी भाई हमारा क्या नाम था भाई का. भाई का नाम क्या था भाई भूल गया मैं. आकाश गुप्ता. सो भाई आकाश गुप्ता यार handsome ब्रो. मजा आ गया भाई मजा आ गया. क्रिकेटर पर रिलेट कर पाते भाई हम ये सब. क्रिकेट जो जो देखता है भाई. बाकी बताना भाई आप आरसीबी की फैन हो कि यार सीएसके की फैन हो भाई वो बता देना लास्ट में जरूर. सो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में. तब तक के लिए और कल भाई पुष्पा का ट्रीजर आने वाला है. तो कल मिलते हैं भाई. तो तब तक के लिए अच्छे से रहिए खुश रहिए. जय हिंद जय भारत.